तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द फैमिली ब्लॉग। और आज थी जैसे बच्चों की सबकी छुट्टी और 9 नवंबर बाल डे, तो आज तो हम जल्दी उठ गए सोकर, क्योंकि आज था मैच, सेमीफाइनल हो रहा है, तो बच्चे जल्दी उठ गए मैच देखने के लिए। और मैंने नहाया था और इतना ठंडा पानी, उफ़ हमारी तरफ तो ऐसा लग रहा है वाकई में बहुत ठंड हो गई है। रात में हम जब सूप पीने गए थे, जब भी बहुत ठंड थी तो मैं यहाँ सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ, तो बहुत ठंड थी रात में भी, तो मैंने नहाने के लिए 10 बार सोचा पहले कि नहा लिया जाए या पानी गर्म करके नहाया जाए। फिर मैंने कहा चलें नहा लेते हैं, तो नहाने के बाद ठंड हो रही थी तो मैं छत पर आ गई, क्योंकि छत पर है धूप, देखें धूप है हुई है, तो मैंने कहा चलो थोड़े से बाल भी सूख जाएंगे और थोड़ा सा धूप भी ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं ऊपर आ जाती हूँ ना जब, तो सांस फूलने लग जाती है, बुढ़ी हो गई हूँ मैं, ओए हाय। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं आज छुट्टी का दिन कैसा गुजर रहा है सबका। और बच्चे तो लाजमी छुट्टी के दिन इतना परेशान और इतना तंग करते। शाजिल जो थे वो स्कूल टाइमिंग में ही उठ गए सुबह, क्योंकि वो स्कूल टाइमिंग में ही उठ गए, क्योंकि वो स्कूल की रूटीन है फिर उनकी, तो 6:30 बजे उठ के मम्मा नाश्ता दें। अरे मैं सोई इतनी देर में थी वीडियो अपलोड कर, तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको स्लाइस में जैम वैम लगा के दिया, वो खा पी के जो सोए हैं वो अभी तक ऐसा समझ रहे थे स्कूल से आकर सो रहे हैं, वो स्कूल के टाइमिंग तक पूरा जागते रहे, मेरे ख्याल में आई थिंक 12 बजे तक जागते रहे और उसके बाद वो सो गए, तो वही सो रहे हैं, बाकी सब उठ गए हैं घर में, तो सब मैच देख रहे थे। मैं छत पर आ गई हूँ, ओह तो अब थोड़ी सी सांस बेहाल हो गई है मेरी, बेहाल। तो मैंने सोचा आज मासी नहीं आएगी, लेकिन शुक्र है मासी आ गई थी, तो मासी ने झाड़ू पोछा सब कर लिया है और बाकी रह गया खाना पकाने का। तो कल का मटर पुलाव रखा हुआ था, मैंने कहा उसके साथ में कोई और डिश बना लेती हूँ, तो वो चावल भी खा ली जाएंगे। और सूरज आज मेरे बिल्कुल मुँह पर है, बिल्कुल ही मुँह पर आ गए हैं सूरज, तो बस अब वो खाने की तैयारी करेंगे, फिर देखते हैं शाम की क्या रूटीन होती है, कहाँ जाना है, क्या करना है। खैर मैं तो तैयार हो जाती हूँ सुबह ही उठ के, नहा वहा कर तैयार हो जाती हूँ रेडी, कहीं जाना है तो मैं रेडी हूँ और नहीं जाना है तो मैं अपने काम वाम कर लेती हूँ। ऐसे ही मुझे आदत है कि मैं अपना नहा, ऐसा होता है कोई अपनी मम्मी के घर जा रहा होता है, कोई जो है वो शॉपिंग पे जा रहा होता है, शॉपिंग तो नहीं होगी आज क्योंकि आज तो सब बंद है, कोई अपने ससुराल जा रहा होता है, कोई अपने मायके जा रहा होता है, कोई अपनी बहन के घर जा रहा होता है, तो सब कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन मैं मम्मी के घर नहीं जा सकती, वरना मैं ज़रूर जाती। छोटी वाली सिस्टर को चिकन पॉक्स हो गई है, तो अम्मी ने कॉल करके कह दिया कि बेटा आप बच्चों को मत लेकर आना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो लगती है एक दूसरे से ना, मुझे बचपन में हुई थी, लेकिन वो बड़ी वाली सिस्टर अच्छी खासी हो जाता है, कभी कभी ज़बान है भाई फिसल जाती है, अच्छी खासी धूप, मुंह पर सूरज जो पड़ा ना आँखें अजान हो गई है, तो अजान का जवाब देते हैं भाई पहले साइलेंस। मैं कह रही थी कि मेरी छोटी वाली सिस्टर अच्छी खासी बड़ी है, मतलब छोटी तो नहीं है, आप लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन वो फिर भी 17 ईयर्स की हैं, 17-18 ईयर्स की हैं, हाँ, तो उनको चिकन पॉक्स हो गई है, तो उनकी तबीयत सही नहीं है, बुखार और फीवर भी हो रहा है, तो अब अम्मी ने इसलिए कह दिया कि मैं भी नहीं जाऊँ। दूसरी वाली मुझसे छोटी एक बहन है, फायज़ा नाम है उसका ना, तो मैंने आपको अक्सर उसके बारे में बताया नहीं, लेकिन उसका नाम फायज़ा है, उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और जो बिस्मा है वो तो आप सब जानते ही हैं उनको भी, तो उसे बाद एक फरीहा है, छोटी वाली फरीहा नाम है मेरी बहन का ना, छोटी वाली, उसको चिकन पॉक्स हो गई है, तो अम्मी ने सबको मना कर दिया कि आप लोग अपने बच्चे मत लेकर आइएगा, क्योंकि भाई बच्चों का कुछ पता नहीं वायरस लग जाए, तो अम्मी ने कहा भाई इसका जब तक सही नहीं हुआ आप लोग मत आना, तो इसलिए अम्मी के घर, वैसे भी मैं हफ्ते में 1 बार चक्कर लगाती हूँ, तो खैर हफ्ते तक वो इंशाल्लाह सही हो जाएंगे तो फिर चक्कर लगा लेंगे, वरना आज हम ज़रूर जाते हैं अम्मी की तरफ, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन सबके लिए, तो आप लोग जाएं, आप लोग इन्जॉय करें आज, हमें पता नहीं, हो सकता है बाहर कहीं डिनर विनर पे चले जाएं, और यही कर सकते हैं हम, और कहीं नहीं जाते। आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग्स में कि मैं किसी रिश्तेदारों के घर नहीं जाती ज़्यादा, मुझे ख़ानदान में ज़्यादा नहीं जाती मैं अक्सर, मुझे ऐसा लगता है घर से निकल कर आप दूसरे घर में जाकर बैठ गए, तो मैं कहती हूँ मुझे आपको कहीं लेके जाना है तो आप मुझे बाहर की तरफ ले जाएँ, मतलब आउटिंग करवा दें, मैं
किसी के घर नहीं जा रही, क्योंकि सबके अपने अपने घरों के अपने अपनी टेंशन, अपने अपने मसले होते हैं, हर कोई अपने अपने लाइफ में बिजी है, हम जाकर किसी को डिस्टर्ब क्यों करें। और अगर मुझे जाना होता है तो मैं ऐसा जाती हूँ कि खाना वाना खाकर लेट नाइट निकलती हूँ, तो मिल वाल के अम्मी के घर भी ऐसी जाती हूँ मैं कि अम्मी के घर भी लेट नाइट जाती हूँ और खाना वाना खाने के बाद उसके बाद मिल मिल के अम्मी के घर से आ जाती हूँ। कोई दावत होती है या कोई इन्विटेशन होता है फिर मैं किसी के घर में तकरीब में जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे किसी को परेशान करने नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है कि हम परेशान करते हैं, क्योंकि मुझे जब अपने घर में जब मुझे कहीं जाना है तो मुझे लाजमी सी बात है घर का सारे काम भी होते हैं, मासी आ जाती है, उसके बाद मुझे खाना भी लाजमी है, क्योंकि मैं सास को छोड़ के जाऊँगी तो भूखा तो नहीं छोड़ूंगी, उनके लिए भी खाना बना कर जाऊँगी। तो जब हम खाना बना लेते हैं तो फिर हम खा भी लेते हैं, जब हम खा लेते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हम किसी को परेशान करने इस टाइम पर क्यों जाएंगे, जब हमने खाना पीना कर लिया है तो हम लेट नाइट जाएंगे, तो हम अक्सर लेट नाइट जाते हैं या हम बाहर चले जाते हैं ज़्यादातर। क्योंकि मेरी जो नंदे हैं ना वो माशाल्लाह चार पांच नंदे जिनका एक की डेथ हो गई है, जिनके वो वजाहत आते हैं हमारे घर पर जो यूं यूं करते रहते हैं, वो नंद की डेथ हो गई है, तो वो उनके घर तो हम लोग बहुत कम क्योंकि जाते हैं और जो है ना बच्चे हमारे घर आ जाते हैं। और जो चार से नंदे हैं वो चार माशाल्लाह एक ही घर में गई हैं, मतलब एक ही चार भाइयों को चारों बहनें चली गई हैं, तो वो एक ही बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग में सब रहती हैं, तो हम जब एक ही घर जाते हैं तो लाजमी से चारों से मिल लेते हैं, और कहीं जाना हमारा होता नहीं। अम्मी का घर है और बिस्मा का घर में बहुत कम आप लोगों को पता जाती हूँ, और एक और सिस्टर के घर में बहुत कम जाती हूँ। बस ये है, बस यही मेरा ख़ानदान है और यही मेरी रूटीन है जो मैं कहीं जाना आना होता है तो बस आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को बताऊँ कि इस तरह है कि आप लोग सोचेंगे मेरी नंदे इतनी सारी हैं मतलब, और मैं जाती नहीं हूँ किसी के घर पर और मैं आप लोगों को बताती नहीं हूँ आज मैं इस नंद के घर गई उस नंद के घर गई, मेरी नंदे सारी एक साथ हैं, एक ही घर में रहती हैं। तो मेरी एक फुप्पो ने दूसरे फुप्पो के घर में चारों बेटों को चारों बेटियाँ दे दी, कैसा जो मेरी सास है बड़ी वाली, उन्होंने अपनी चारों बेटियाँ दूसरी वाली बहन के घर चारों दे दी, मेरी दूसरी फुप्पो थी जिनका इंतकाल हो गया। बस फ्रेंड, अच्छा किसी ने मुझे कहा कि आपकी यूट्यूब से पेमेंट कितनी आती है, तो अभी कहाँ से आएगी, अभी तो मैंने स्टार्ट की है ब्लॉगिंग, अभी तो मुझे आई थिंक 2 अगस्त में स्टार्ट किया ना, 14 अगस्त को, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तीसरा महीना है अभी तो मेरा स्टार्ट हुआ है, तो अभी मुझे कहाँ पेमेंट्स आएंगी अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा ब्लॉगिंग में, मुझे खुद नहीं आइडिया इस चीज़ का, और पेमेंट वेमेंट का मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ शौकिया ब्लॉगिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, क्योंकि टिकटॉक तो मुझे बनाते हुए आई थिंक 2 साल हो गए हैं, 2 साल से बना रही हूँ, और व्लॉग में अभी स्टार्ट किया है, पेमेंट का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि पेमेंट कब आती है कब नहीं आती। हाँ मेरे तो अभी फॉलोअर सब्सक्राइबर भी 500 ही हुए हैं, वॉच टाइम मेरा 2000 हो गया है, और मेरे ख्याल में व्यूज़ भी मेरे 14,000 हो गए, लेकिन पेमेंट का नहीं मुझे पता। आप लोगों को पता है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मुझे भी पता हो कि क्या है क्या नहीं है, मुझे कोई यूट्यूब का इतना आइडिया नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो मुझे ज़रूर बताया करें यूट्यूब के बारे में। तो और किसने, हाँ अलीश बंसारी मुझसे नाराज़ हो रही थी, कह रही थी आप कि मैं व्लॉग नहीं देखूंगी और फलाना है, तो मैं आप मेरा नाम नहीं लेती, तो मैंने आपका नाम किसी व्लॉग में लिया है, थैंक यू सो मच अलिशबा अंसारी कि आप मेरा व्लॉग देखती हैं और मुझे पसंद करती हैं, मुझे लाइक करती हैं, और बस यही होती हैं आप लोगों की बातें जो मैं सोचती हूँ कमेंट्स में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ, कमेंट्स जो आप लोग मुझे करते हैं मैं ज़रूर शेयर करूँ अपने व्लॉग में, तो मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ जो बात होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग नाराज़ मत हुआ करें मुझसे, आप लोग नाराज़ होंगे तो मैं व्लॉग किसके लिए बनाऊँगी फिर, तो बस आप लोग इसी तरह मुझसे मोहब्बत करते रहें, मैं ऐसी व्लॉग्स बनाती रहूँगी, तो बस अब देखते हैं आगे की रूटीन क्या होती है फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्रेंड। और कल मैंने आपको बताया था जब मैं बारिश में आई थी छत की इस कदर गंदी थी कि पूरी छत गंदी हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने पूरी छत की सफाई की अकेले, और मेरी 2 दिन तक तबीयत ही अजीब रही क्योंकि इतनी बड़ी छत साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने पूरे छत की सफाई करी, छत ऐसी हो गई है कि आप अपनी छत पर आराम से लेट जाएं, देखें मैं आपको दिखाती हूँ छत किस कदर साफ़ हो गई, कितनी गंदी थी उस दिन ना, ये देखिए सारी मैंने छत की उस दिन सफाई की, तो पूरी छत इतनी चमचमा रही है ये छत, कितनी मेहनत की थी मैंने उस दिन बारिश में जो है ना, मैंने अकेले क्योंकि करने वाला और किसको बुलाऊंगी, मेरे साथ कोई लेडीज़ नहीं है जो मेरे साथ, जो सास हैं वो उनसे होता नहीं है और एक सास तो बिल्कुल ही बिस्तर पर हैं, तो मैं किसको बोलूंगी, मैं इतने छत वत के काम तो मैं नहीं बोल सकती किसी को भी, मासी जो हैं वो फिर अजीब ही नखरे होते हैं फिर, आप लोगों को पता है मासियों के, उनको अगर इस छत की सफाई बोल दी जाए तो बोलती हैं हमसे नहीं होगी, हम इतने पैसे एक्स्ट्रा लेंगे फलाना होंगे, तो एक्स्ट्रा पैसों की बात नहीं है वो तो मैं दे देती हूँ, लेकिन नखरे जो होते हैं ना मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होते। वाह क्या हवा चल रही है ये देखिए हवा, तो मैं नखरे बर्दाश्त नहीं करती किसी के भी,
तो मैं खुद ही इसलिए क्योंकि मैं छत पर आती नहीं हूँ, और जिस दिन मैं आ जाऊँ उस दिन मैं छत गंदी छोड़ती नहीं हूँ। तो अभी मैंने मासी को कहा है कि किचन की ज़रा सफाई करनी है, तो उन्होंने कहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा भाई एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिएगा, पर जो है ना अंदर से किचन से कैबिनेट वैबिनेट साफ़ करने हैं, क्योंकि मैं अकेली क्या क्या करूँगी, मैं ऐसे मुझसे नहीं होता। और बच्चे जो है वो लड़के लड़कियाँ होती तो समझ में आता, अब वो लड़के अपने अपने पेपर्स में अपने अपने कामों में होते हैं और हस्बैंड से कोई कुछ कह नहीं सकता। चले कभी उनकी छुट्टी होती है वो अपने मूड में होते हैं तो कुछ ना कुछ करवा लेते हैं साथ में, लेकिन वो किचन के काम तो नहीं करवाएंगे मेरे साथ। तो बस यही है मैंने उनको कहा है। वो देखे मेरे बाल देखे सूख गए हैं धूप से, शुक्र है। तो कलर्स कितना प्यारा लग रहा है ना, बालों का कलर वैसे ख़त्म हो गया, मैंने फेब्यूला से करवाया था, अब दोबारा से मुझे स्ट्रिकिंग लेनी है। तो देखिए मुझे रुखसाना हेयर सलून जाना पड़ेगा, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने पास कि आप यहाँ आए विज़िट करें, तो मैं इंशाल्लाह जमशेद रोड पर मैं जाऊँगी ज़रूर। तो देखते हैं, मीरब को भी ले जाऊँगी अपने साथ, उनकी भी हेयर कटिंग करवाऊँगी, अपने भी कलर्स करवाऊँगी, स्ट्रिकिंग करवा लूँ या वन डाई देखूँगी। तो फ्रेंड्स फिर अब मिलते हैं शाम में। पाकिस्तान जीत गया है और पाकिस्तान अब फाइनल में जाएंगे, अब जो कल जीतेंगे सेमीफाइनल टू में, तो फिर देखेंगे हम। अजान रुक रुक के हो रही है मस्जिद में। तो शुक्र है पाकिस्तान, लेकिन अक्सर ये होता है सेमीफाइनल में पाकिस्तान जीत जाता है और जब फाइनल में जाते हैं तो पाकिस्तान हार जाता है, तो दिल को बहुत दुख होता है बहुत ज़्यादा। तो बस अगर अल्लाह करे कि वो फाइनल में भी जीत जाए, हमारी तो यही दुआएं अपनी टीम के लिए। तो बस यार कल देखते हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ ना तो मज़ा आ जाएगा, वैसे बेहतरीन हो जाएगा। चलें फिर देखते हैं क्या होता है। कहीं फुल्की वो भी तड़के वाली, तड़का मतलब ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च का तड़का। तो अब देखते हैं कैसे बनाती हूँ, आप लोग भी देखें, बहुत मज़े की बनती हैं। ये मैंने इसमें छोटी छोटी फुल्की बना के निकाल ली है, अब मैं इसमें दही पीसूँगी मसालों के साथ। ये देखें कावा, देखें मैंने दही बल्ले दही बड़े जो भी है, हाँ बल्ले बल्ले कहते हैं दही बल्ले बल्ले उसके लिए मैंने दही के अंदर ज़ीरा लहसुन और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक डाला है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, उसके बाद फिर मैं तड़का लगाऊँगी। पकौड़ों का पेस्ट तैयार कर लिया है, मैं पकौड़े बनाऊँगी, थोड़ा सा गंदगी को इग्नोर करें प्लीज़। तैयार, और मैंने पकौड़े नहीं कि वो है पानी में, इसे मैं इसे दबा के इस तरह पानी निकाल के इसमें डाल दूँगी, फिर इसमें तड़का लगाऊँगी। कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च, और दादी को थोड़ी सी आइसक्रीम दे दो ना, और ये जीरा, ये डाल के हम लगाएंगे तड़का। और ये बन गई चाय, थोड़ी सी पकौड़े हैं ये, प्याज पकौड़े, और ये आधा पहुंच गया, क्या हो रहा है स्पून से खाओ, ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट नहीं हाथ से खाओ, नहीं चम्मच से खाना, चम्मच से खाऊंगा, मतलब इसे टूट जाएंगे सारे, तोड़ दिया मैंने गलती से, अभी बहुत पिटा रहा हूँ सर को, बोल दूंगी बता दिया मैंने, पकौड़े खाना तो जल्दी से खाओ और जाओ, चलो जल्दी। मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ और हस्बैंड लेके जा रहे हैं हमको खाना खिलाने के लिए आई थिंक, तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कबाब में झूले झूलोगे? कबाब में झूले कैसे झूलते हैं? कबाब में तो केचप होता है। हाँ कबाब के अंदर बोटी होती है, सारी सब्जियाँ होती हैं कबाब के अंदर, वो माइनस होता है, माइनस नहीं माइनस होता है, माइनस व्हीलचेयर को उतार रहा है, व्हीलचेयर मैं समझा प्लस भी होता है, सबसे बेहतर है मैम, मैं समझा प्लस भी होता है, प्लस माइनस प्लस, अच्छा मैं भाई समझा मल्टीप्लाई भी होता है, समझा डिजिटल भी होता है। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, ये कबाब चीज है इतना अच्छा क्यों आए नहीं उससे पहले, कितनी दफा आ चुके हो? कितनी दफा आ चुके हैं इनको, पहले से पता था हम लोग आ रहे हैं, हमने फोन करके पहले बोल दिया था क्या?
गए हैं आप चीज कहाँ जा रहे हो शाजिल? आज तो बहुत फुल लग रहा है। जल्दी आए। ये कहाँ से लाई हो? कहाँ से लाया है? इसने निकाला है? इसने निकाल कर लाई है। ये तो ग्लासेस भी लगाया हुआ है। मेरे को ट्राइज मिल गया। चार भी नहीं, दो जुड़ा है। और कौन सा निकाला है? हाँ जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया है और वेट कर रहे हैं हम खाने का। और मीरब देखो क्या लगा, वाह अपने ही पहना हुआ है, टाई भी लगाया हुआ है। मीरब ने निकाला है ये ट्वाइस, उसमें से जो प्लेलैंड में होते हैं। मैंने निकाला चश्मा। आपको मज़ा आया प्लेलैंड में? मज़ा आया? वाह आपको तो ट्वाइस मिल गया, आपका फ्रेंड मिल गया। इसका नाम क्या है फ्रेंड का? टिकी टिकी नाम है इसका। क्या नाम है? हाँ कहाँ चला रही है? पटर पटर चल रहा है आपकी तरह बिल्कुल पटर पटर। क्यों नहीं करा रही है? खाना क्या खाओगी? आपके लिए पापा ने फ्रेंच फ्राइज मंगवाए हैं और आपके लिए सूप मंगवाए और फ्रेंच फ्राइज मंगवाए। और क्या खाना है आपको? और कुछ तो नहीं खाना। अच्छा दादी के पास चले जाओ, दादी बुला रही। दादी भी तो आई हैं साथ में आपके, है ना? क्या दादी को दिखा कर आप? आज फ्रेंड्स खाना आ रहे हैं और हम खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पहले खाना है बाद में सब कुछ ले लो। मैं ये खाऊंगी, मंदी खाऊंगी। ये खोलो, ए ए ये खोलो। ये से पीछे कर दो, ये वहाँ रखो। आज ये फ्रेंड्स खाना आ गया है और अब हम खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ठीक है पहले खाना है बाद में सब कुछ। मीरब डर रही है? मीरब डरती है हमारी। मैं तो नहीं डरता। आप तो किसी से भी नहीं डरते। ओपन कर दें। और ये खतीजा निकाल रही हैं मेरे लिए राइस। दोनों इसी में खा लेते हैं। दोनों खाने से मोहब्बत बढ़ती है। ओके अपने अपने स्पून निकाल लीजिए। आश्रम फुल क्राउड है, लोग आए हुए हैं आज, इसलिए कि आज मैच पाकिस्तान जीता है ना, शायद इसलिए ज़्यादा रश है। नहीं जी आज छुट्टी भी आज। या आपने केचप यहाँ सब लगाया हुआ है अपने? खाना खा लिया हमने, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं वापसी। क्या लिया है? चले अब आ गई है वीर चीयर। मेरी जैली तो आपने दी नहीं, मैंने कहा था मैं जैली लेने जाऊँगी, मैंने वीडियो बनानी थी। मेरा बैग उठा दो।
पकड़ के बिठाओ, यही यही हाथ पकड़ो, स्लिप हो जाएगा हाथ। ये दो हैं एक, चले भाई अब चलते हैं घर की तरफ। जी फ्रेंड्स, हम लोग अब फ्री हो गए हैं, हम घर जा रहे हैं, लेकिन मीरब इतना डर रही है और मीरब के साथ देखें क्या करें। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मीरब बहुत डरती है। मीरब क्या बोल रही है? अब छोड़ दे भाई, छोड़ दे मीरब, दोबारा मीरब दोबारा चले अंदर, मैंने पैसे दिए। चलो आ जाओ, नहीं मैं नहीं। जी फ्रेंड्स, हम लोग ने अब खाना खा लिया है और यहाँ से जाना है। एग्जिट यहाँ से, एग्जिट यहाँ से, अरे एग्जिट यहाँ से, ये हाशिश बस वहाँ कौन सी चीज़ है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं घर पर कबाब जी से खाना वाना खा कर, और अब बहुत ज़्यादा ही खा लिया है खाना, ओवर ओवर हो गए हैं हम लोग, कुछ अजीब सा हो रहा है। और आज थी जैसे कि छुट्टी, तो आज हो रहा था बहुत ज़्यादा रश वहाँ पर, बहुत सारे लोग थे, तो वीडियोस बहुत कम बनाई गई और जो बनाई हुई वो बनाई हैं व्लॉग में भी जो लिया है। और फ्रेंड्स, आज आपने मैंने आज आप लोगों को दही बड़े की रेसिपी बताई, जो हम तड़का वाला बनाते हैं ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च का, और पकोड़े बनाए थे। तो शाम में मैंने खाना नहीं बनाया था, तो हमने इसलिए बाहर जाके अरबियन डिश खाई है। सऊदी में हम खाते थे खब्सा, और फिश विश ली थी सास के लिए, आपने देखा था, सास भी हमारे साथ गई थी, क्योंकि छोटी वाली सास घर पे नहीं है, वो नंद के घर गई हुई दवाई लेने, तो बड़ी वाली सास को मैं अकेली छोड़ कर जा नहीं सकती थी, इसलिए हम उनको साथ ही ले गए। उन्होंने भी थोड़ा सा इन्जॉय किया, उन्होंने भी मज़े करे, फिर वो अब खा पी के घर आ गए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, आप लोगों को आज का हमारी कबाब चीज़ का खाना अच्छा लगा हो, और बच्चों की मस्ती और बच्चों के, मीरब ने आज टेडी बियर उसमें से निकाला, दिखाना मीरब अपना टेडी बियर, दिखाया आप, ये देखिए, ये देखिए कितना क्यूट सा टेडी बियर है ये, ये देखें। तो ये मीरब ने वो जो प्ले लैंड में होता है ना कॉइन डालकर जो हम ऐसे कैच करते हैं, हाँ उसमें से ये कैच किया है, तो ये खूबसूरत सा